इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में इस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेले जाने वाला है। अब इस मुकाबले की काफी सारे लोग ड्रीम इलेवन के ऊपर टीमें भी बना के आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज्यादा रहेगा। मतलब इतने सारे लोग आपके साथ में टीमें बना के चलेंगे। अब इतने सारे लोगों के कंपटीशन को अगर आपको पार करना है तो भाई यहाँ पे आपको डिफरेंट टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप डिफरेंट टीम नहीं बनाओगे तो भाई आपकी जो टीम है वो इतने सारे कंपटीशन के अंदर ही रह जाएगी और कंपटीशन से बाहर ही नहीं आ पाएगी। तो इस वाले मुकाबले की आपको डिफरेंट टीम किस तरीके से क्रिएट करनी है वो मैं आपको सारा का सारा डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कई सारे लोग जो टीम बनाएंगे वो केवल फर्स्ट प्राइज को देख के ही टीम बनाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है तो भाई सिर्फ आपको इस चीज के ऊपर देना है कि यार मुझे इतने सारे कंपटीशन से कैसे बाहर निकलना है। जिस दिन आपको इतने सारे कंपटीशन को पार करना आ जाएगा उस दिन से आपके लिए रैंक बन पाना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे ये भी करेंगे कि यार जैसे कि जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे उनको लेके चलेंगे अपनी टीम के अंदर, यानी कि सेफ सेफ खिलाड़ियों को लेके चलेंगे और वो रिक्स नहीं लेंगे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज्यादा रिक्स लेंगे तो जो पैसे हम लगाएंगे वो भी वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए वो ज्यादा रिक्स नहीं लेने वाले हैं और वो सेफ सेफ खिलाड़ियों को लेके चलेंगे और सीवीसी भी सेफ सेफ खिलाड़ियों में से ही बनाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई रैंक 1 पे आना आपके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे रैंक 1 पे भी वही टीम आती है जो कि भाई बिल्कुल रिक्सी टीम होती है। अब रिक्सी टीम भी यहाँ पे काफी सारे लोग नहीं बना के चलेंगे, जो गिने चुने लोग होंगे वही रिक्सी टीम बना के चलेंगे क्योंकि वही रिक्स लेना जानते हैं। अब भाई आपको रैंक 1 पे आना है तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल दिमाग आप लगाओगे वो सिंपल दिमाग इतने सारे लोग भी लगा के आएंगे। तो क्या ये सारे के सारे तो रैंक 1 पे नहीं आएंगे? तो इसीलिए आपको डिफरेंट टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इस वाले मुकाबले की डिफरेंट टीम आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस रिक्सी टीम के अंदर इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को हमको लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को हम सीवीसी बना के चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए, और यहाँ पर अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो फिर अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ग्रैंड लीग की रिक्सी टीमें बना के बताने वाला हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए फिर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वाले मुकाबले की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर मैंने आपको खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो भाई चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लेना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए फिक्स होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपर ऊपर यहाँ पे जोस बटलर देखने को मिल जाते हैं, ये हमारे लिए फिक्स प्लेयर होने वाले हैं। चाहे हम कोई सी भी टीम बनाए, चाहे स्मॉल लीग की टीम बनाए, चाहे ग्रैंड लीग की टीम बनाए, सभी टीमों के अंदर भाई जोस बटलर भी बेस्ट होने वाले हैं। तो भाई ये आपके लिए फिक्स होंगे, जिनको आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चल सकते हो। ऋषभ पंत की भी फॉर्म काफी जबरदस्त चल रही है, तो ये भी आपके लिए फिक्स प्लेयर होने वाले हैं। तो भाई आप इनको भी अपनी हर टीम के अंदर लेके चलना। और नीचे आपको फ्लिप शॉल्ट देखने को मिल जाएंगे, इनको कब कौन सी टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में अगर फिक्स प्लेयर की बात की जाए तो भाई ये 2 खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको आप लेके चल सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में फिक्स प्लेयर की बात की जाए तो भाई रोहित शर्मा अब की बार भी फिक्स होने वाला है, क्योंकि भाई ये मुकाबला इंडिया के लिए भी काफी जबरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा की तरफ से भी आपको बैटिंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी, तो इसीलिए भाई रोहित शर्मा अब की बार भी फिक्स होने वाला है, तो ये चीज नोटिस जरूर कर लेना। सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो भाई ये भी फिक्स होने वाला है, इनको भी आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चलना। बाकी नीचे आपको विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे, विराट कोहली को आपको कब किस टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको वीडियो का आगे बताने वाला हूँ। बाकी जॉनी बेस्टो भी हमारे लिए फिक्स खिलाड़ी नहीं होने वाला है, फिलहाल हम इनको छोड़ के चलेंगे। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लो परसेंटेज खिलाड़ी हैरी ब्रुक देखने को मिल जाएंगे, इनको भी कब कौन सी टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको वीडियो का आगे बताने वाला हूँ। बाकी नीचे के कई सारे खिलाड़ी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं, तो भाई फिलहाल हम यहाँ पे छोड़ के चलेंगे। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में फिक्स प्लेयर की बात की जाए तो भाई वो आपके लिए ये 2 खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनके अलावा किसी खिलाड़ी को लेना भी होगा तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में फिक्स प्लेयर की बात की जाए तो भाई पहला खिलाड़ी आपके लिए हार्दिक पांड्या होने वाले हैं, क्योंकि लगातार 6 मुकाबलों से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए ये भी आए हैं। बाकी नीचे के जो भी खिलाड़ी है इनको कब कौन सी टीम के अंदर लेके चलना है, किस कंडीशन में लेके चलना है वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा जब आपको टीम बना के बताऊंगा। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में फिक्स प्लेयर की बात की जाए तो भाई पहला खिलाड़ी आपके लिए जसप्रीत बुमराह फिक्स होने वाले हैं, इसके बाद आदिल राशिद भी आपके लिए फिक्स होने वाला है, इसके बाद अर्शदीप सिंह की बात की जाए तो भाई ये भी आपके लिए फिक्स होने वाले हैं, और कुलदीप यादव भी आपके लिए फिक्स होने वाला है। यहाँ पे इंडिया के 3 खिलाड़ी फिक्स होंगे बॉलिंग वाले सेक्शन में जिनको आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी इंग्लैंड की तरफ से जो आदिल राशिद है ये भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी होगा अब की बार, तो ये चीज भी नोटिस जरूर कर लेना।
ना। बाकी फिक्स खिलाड़ी कौन सा है जिसको आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चल सकते हो वो तो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है और सारी सेक्शन से बता दिया है। बाकी अब मैं आपको तीन ग्रैंड लीग रिक्शी टीमें बना के बता देता हूँ जो की आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो पहली टीम हम कुछ इस तरीके से बना के समझते हैं कि अगर टॉस जीत के इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है या फिर किसी भी कंडीशन में अगर पहले इंडिया बैटिंग कर रही है तो आपको कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है। तो सबसे पहले विकेट कीपर वाले सेक्शन में तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे जोस बटलर को और ऋषभ पंत को। ये दो खिलाड़ी हमारे लिए फिक्स होने वाले हैं तो भाई हम इनको लेके चलने वाले हैं और इस कंडीशन में यहाँ पर फ्लिप शॉल्ट को ड्रॉप आउट करके चलेंगे। अगर इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है तो भाई ये टीम आपको उस टाइम पे काम में लेना है जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे रोहित शर्मा को लेने वाले हैं, इसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी लेके चलेंगे और एक बड़े खिलाड़ी विराट कोहली को हम यहाँ पे ड्रॉप आउट करके चलेंगे और हैरी ब्रूक को हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं जो कि इंग्लैंड की तरफ से एक लो परसेंटेज खिलाड़ी होने वाला है। यानी कि भाई जो तीन खिलाड़ी होंगे वो हमारे बैटिंग से होने वाले हैं और दो खिलाड़ी हमारे विकेट कीपर वाले सेक्शन में होने वाले हैं। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या को लेने वाला हूँ, अक्षर पटेल को लेने वाला हूँ और नीचे नीचे मैं सेम करण को लेके चलूंगा इंग्लैंड की तरफ से। यानी कि भाई एक खिलाड़ी हमारा ये भी लो परसेंटेज होगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ज्यादातर लोग इनको भी नहीं लेके चलेंगे लेकिन हम अपनी रिक्सी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको लेके चल रहे हैं। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई बुमराह को हम लेके चलेंगे, अर्शदीप सिंह को लेके चलेंगे और कुलदीप यादव को लेने वाला है। तो यहाँ पे बॉलिंग वाले सेक्शन में जो हमने तीन खिलाड़ी लिए हैं वो कुछ इस तरीके से लिए हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो और हमारा जो ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से भी कंप्लीट हो चुका है। विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने दो खिलाड़ियों को लिया है, बैटिंग से मैंने तीन खिलाड़ियों को लिया है, ऑलराउंडर से मैंने तीन खिलाड़ियों को लिया है और बॉलिंग वाले सेक्शन में भी मैंने तीन खिलाड़ियों को लिया है। अब इंडिया अगर पहले बैटिंग करने का फैसला ले रही है तो आपको पता है कि रोहित शर्मा यहाँ पे ओपनिंग करने वाले हैं और विराट कोहली की फॉर्म अच्छी नहीं चलने के कारण भाई उनका अगर विकेट भी निकल जाता है तो इसीलिए विराट कोहली को हमने वैसे भी पहले ही इनको ड्रॉप आउट कर दिया है। बाकी सूर्य कुमार यादव हमारे लिए मिडिल ओवर के अंदर बेस्ट होंगे जो कि भाई अच्छे खासे रन बना के देने वाले हैं मिडिल ओवर के अंदर और विराट कोहली का जैसे ही विकेट निकल जाएगा तो भाई आपको पता है कि ऋषभ पंत बैटिंग करने भी आएंगे और रोहित शर्मा के साथ में अच्छी खासी बैटिंग भी करेंगे। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो भाई कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना के चल सकते हो। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में भी हमारे पास इंडिया के दो खिलाड़ी होने वाले हैं जिनमें से भाई हार्दिक पांड्या की तो वैसे भी फॉर्म अच्छी चल रही है, ये तो वैसे भी परफॉर्मेंस करने ही वाले हैं और साथ ही मैंने बढ़ाया है वो यहाँ पे अक्षर पटेल को बढ़ाया है क्योंकि अक्षर पटेल भाई बॉलिंग करने वाले हैं और सामने वाली टीम की विकेट भी काफी जबरदस्त निकालने वाले हैं तो इसीलिए भाई यहाँ पे मैंने अक्षर पटेल को लिया है। बाकी यहाँ पे बॉलिंग वाले सेक्शन में भी मैंने तीन खिलाड़ी लिए हैं और तीनों के तीनों यहाँ पे मैंने इंडिया के बॉलर लिए हैं। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए कब काम आएगा, जब इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला ले रही है, अच्छे खासे रन भी बना रही है इंडिया और अच्छे खासे विकेट भी निकाल रही है, तब आपके लिए ये वाला कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि भाई हमने जो ये पांच खिलाड़ी लिए हैं वो आपको बैटिंग करके देने वाले हैं और नीचे के जो ये पांच खिलाड़ी लिए हैं ये आपको अच्छी खासी बॉलिंग करके देने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर इंग्लैंड जल्दी बीट हो जाती है इंडिया के सामने और ज्यादा कुछ सर्वाइव नहीं कर पाती है तब आपके लिए ये वाला कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो कुछ इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन आप बना के चल सकते हो जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीवीसी की बात की जाए तो भाई कैप्टन में यहाँ पर अर्शदीप सिंह को बनाने वाला हूँ जो कि हमारे लिए एक यूनिक खिलाड़ी होगा और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई वो मैं यहाँ पर रोहित शर्मा को बनाने वाला हूँ। देखो रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, अच्छे खासे रन भी बनाएंगे, इसीलिए भाई वाइस कैप्टन का ऑप्शन ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है और कैप्टन का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए अर्शदीप सिंह इसलिए इंपोर्टेंट होंगे क्योंकि सेकंड इनिंग में अगर इंग्लैंड बैटिंग भी करेगी तो इंग्लैंड के वैसे भी विकेट ज्यादा निकलेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर अर्शदीप सिंह आपको काफी अच्छी विकेट निकाल के भी दे सकता है। तो इसीलिए भाई कैप्टन का ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर बॉलिंग से किया है और ये वाला पिच भी कहीं ना कहीं बॉलिंग वाले खिलाड़ियों को ज्यादा सपोर्ट भी करता है, इसीलिए भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर इस तरीके से खिलाड़ी लेके आप भी कुछ इस तरीके से सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग का दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना के बता देता हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। अब ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन हम कुछ इस तरीके से समझने वाले हैं, अगर इंग्लैंड अगर पहले टॉस जीत लेती है और पहले बैटिंग करने का फैसला ले रही है तो कुछ इस तरीके से ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना है। तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में तो हम जोस बटलर को लेने वाले हैं और नीचे हम फ्लिप शॉल्ट को भी लेके चलेंगे और ऋषभ पंत को भी लेके चलेंगे। तीन खिलाड़ी हम यहाँ पे विकेट कीपर वाले सेक्शन में लेके चलेंगे इस दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करने का फैसला ले रही है तो। फिर इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम अब की बार एक बहुत ही बड़ी रिस्क लेने वाले हैं। अब वो भी रिस्क किस तरीके से, हम यहाँ पे विराट कोहली को लेके चलेंगे और सूर्य कुमार यादव को लेके चलेंगे। एक बड़ा रिस्की खिलाड़ी हम यहाँ पे ड्रॉप आउट करके चलने वाला है और वो है यहाँ पे रोहित शर्मा। अगर किसी कंडीशन में रोहित शर्मा की विकेट निकल भी जाती है तो उस कंडीशन में विराट कोहली हमारे लिए बेस्ट खिलाड़ी हो जाएंगे। वैसे तो भाई फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है लेकिन भाई ये मुकाबला इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए भाई चल सकते हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा चेंज कर सकते हो, अगर आप तीन चार कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ये वाला चेंज कर सकते हो। बाकी इंग्लैंड की तरफ से मैं यहाँ पे
नीचे से भी ज्यादा खिलाड़ी नहीं लेके चल रहा हूँ, केवल इंडिया के ये दो खिलाड़ी लिए हैं। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई यहाँ पर मैं हार्दिक पांड्या को लेने वाला हूँ, अक्षर पटेल को इस कंडीशन में मैं ड्रॉप आउट करूंगा, मोइन अली को भी ड्रॉप आउट करके चलूंगा और केवल मैं यहाँ पे सेम करण को लेके चलने वाला हूँ। ज्यादा खिलाड़ी फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लेके चल रहा हूँ ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, केवल ये दो खिलाड़ी को ही लिया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई हमारे वही खिलाड़ी होने वाले हैं, जसप्रीत बुमराह होने वाला है, इसके बाद यहाँ पे अर्शदीप सिंह होने वाला है, कुलदीप यादव होने वाला है और एक खिलाड़ी और बढ़ूंगा और वो है यहाँ पे क्रिस जॉर्डन। अब हमने बैटिंग वाले सेक्शन में खिलाड़ी इसलिए इंग्लैंड के ज्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि भाई उनकी विकेट वैसे भी जल्दी निकलने वाली है, और क्रिस जॉर्डन को हमने इसलिए लिया है क्योंकि भाई ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये बॉलिंग भी डालेंगे और अच्छी खासी बैटिंग भी करने वाला है, तो इसीलिए भाई जॉर्डन को हमने यहाँ पे बढ़ाया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारा दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे तीन खिलाड़ियों को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन में मैंने दो खिलाड़ियों को लिया है, दो खिलाड़ी ऑलराउंडर से लिया है और बॉलिंग वाले सेक्शन में मैंने पूरे चार खिलाड़ी लिए हैं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है और इंग्लैंड की तरफ से अगर बैटिंग भी अच्छी खासी देखने को मिलती है तो भी भाई ये तीन खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से होने वाला है, और सेकंड इनिंग में अगर बड़ा खिलाड़ी रोहित शर्मा आउट हो जाता है तो भाई विराट कोहली को लिया है रिक्स लेके, और मिडिल ओवर का खिलाड़ी हमने सूर्य कुमार यादव को लिया है और ऋषभ पंत को लिया है, तीन खिलाड़ी हमने यहाँ पे लिया है। बाकी दोनों टीमों की अगर विकेटें भी निकलती है तो भी भाई दो खिलाड़ी मैंने इंग्लैंड के भी बॉलर लिए हैं और इंडिया के जो बॉलर है वो मैंने बढ़ाए हैं जो कि टोटल चार बॉलर मैंने लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये कॉम्बिनेशन आपको कब बनाना है, जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करने का फैसला ले रही है तब। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर आपको रिक्सी तरीके से सीवीसी बनाना है तो भाई कैप्टन आप बना सकते हो हार्दिक पांड्या को, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई वो आप यहाँ पर फिलिप शोल्ड को बना सकते हो, ये दो खिलाड़ी भी बेस्ट होने वाले हैं। अगर किसी वजह से जोश बटलर ज्यादा नहीं चल पाए हैं भाई फिलिप शोल्ड भी आपको काफी अच्छे रन बना के दे सकते हैं, तो इसीलिए भाई बैटिंग अगर पहले इंग्लैंड कर रही है तो भाई कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा, और सीवीसी भी कुछ इस तरीके से बना के चल सकते हो। बाकी ये दूसरा कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी लाइनअप आने के बाद कुछ अपडेट भी होता है तो वो तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। बाकी अब मैं आपको ग्रैंडली का तीसरा कॉम्बिनेशन बना के बता देता हूँ, ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो पूरा बॉलिंग वाले खिलाड़ियों के फेवर में बनाने वाले हैं क्योंकि ये वाला पिच पूरा बैलेंस पिच है, तो इसके ऊपर आपको बॉलिंग भी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी, मतलब विकेटें काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी दोनों टीमों की। ये कंडीशन अगर बन जाती है तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए उस टाइम काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में बॉलिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को लेने वाले हैं, फिर इसके बाद आदिल राशिद को लेके चलेंगे, इसके बाद यहाँ पे अर्शदीप सिंह को लेके चलेंगे, क्रिस जॉर्डन को लेके चलेंगे और कुलदीप यादव को लेने वाला है। तो कुछ इस तरीके से ये पांच खिलाड़ी हम बॉलिंग वाले सेक्शन में लेके चलेंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम हार्दिक पांड्या को लेके चलने वाले हैं, इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई रोहित शर्मा को लेके चलेंगे, इसके बाद विराट कोहली को भी लेके चलेंगे, और विकेट कीपर वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई यहाँ पे हम ये तीन खिलाड़ी को लेके चलेंगे। तो हमारा जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने बॉलिंग वाले सेक्शन में भी खिलाड़ी बढ़ाए हैं और बैटिंग करने वाले खिलाड़ी भी बढ़ाए हैं क्योंकि भाई बैलेंस पिच है, तो भाई बॉलिंग भी काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाली है, तो भाई कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए भाई उस कंडीशन में ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। दो खिलाड़ी हमने इंग्लैंड की तरफ से लिए हैं और तीन खिलाड़ी हमने लिए हैं इंडिया की तरफ से क्योंकि भाई इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है क्योंकि ज्यादातर मैच भी इंडिया ही जीते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। बॉलिंग वाले सेक्शन की भी बात की जाए तो भाई ज्यादातर मैंने इंडिया के खिलाड़ी लिए हैं और इंग्लैंड के हमने दो खिलाड़ी लिए हैं, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी बेस्ट होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से भी आप कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीवीसी की बात की जाए तो भाई कैप्टन में यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को बनाने वाला हूँ, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो एक बॉलर को बनाने वाला हूँ जो कि भाई क्रिस जॉर्डन होने वाला है और वो भी इंग्लैंड की तरफ से। तो कुछ इस तरीके से भी एक यूनिक तरीके से सीवीसी बना के चल सकते हो जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, और हमारा कॉम्बिनेशन तीसरा कुछ इस तरीके से होने वाला है। बाकी आपको भी पता है कि यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो भाई यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के तीन कॉम्बिनेशन बनाओ और तीनों में आप अलग अलग खिलाड़ी लेके चलो और सीवीसी भी अलग बनाओ ताकि उनमें से आपका एक ना कॉम्बिनेशन अच्छा खासा रैंक भी हो पाए। बाकी अगर आप केवल एक टीम बना के चल रहे हो तो भाई यहाँ पे जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो इसीलिए जो यूनिक टीम मैंने बना के बताया है ऐसा आप बना के चल सकते हो। बाकी ये जो भी कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये फिक्स नहीं है, इनमें कोई भी चेंजिंग करना होगा लाइनअप आने के बाद तो वो सारा का सारा चेंजिंग आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो फटाफट से जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।